महाकाल आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की जॉब लोगों की वैकेंसी निकल के आई है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। 10 अगस्त 2023 तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म को अप्लाई कीजिए लास्ट डेट से पहले। फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या काफी कम रहने वाली है, सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। 458 टोटल वैकेंसी है, जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए वैकेंसी है। 10th प्लस हैवी लाइसेंस है तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ए टू जेड जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, प्रीवियस वीडियो में वीडियो देखिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, फिजिकल कब होंगे, रिटर्न कब होंगे, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आने वाले समय में आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उससे भी आप लोग जुड़ जाइए। आज का जो मेरा वीडियो है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ड्राइवर के लिए, यदि आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया, सिलेबस की ए टू जेड जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो मिलने वाली। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग का रिटर्न एग्जाम है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए, और रिटर्न एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस आप लोग का इसमें कवर किया गया है, हिंदी इंग्लिश जीके मैथ ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 25 प्रैक्टिस सेट दिए हैं इसमें, तो रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहिए। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम कैंडिडेट ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे, मैं जानता हूँ बिल्कुल सभी ने फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किस प्रकार से तैयारी करें, किस प्रकार से सिलेक्शन लें। देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस इसका सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो इससे पहले आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अपने पास आप लोग रेडी करके रखेंगे, डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की मिस्टेक आप लोगों से ना रहे। तो सबसे पहले आप लोगों को फिजिकल में आप लोग का पीईटी पीएसटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप लोग का होने वाला है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जानकारी आप लोग को दी जाए, इसके बाद आप लोग को बुलाया जाएगा रिटर्न एग्जाम के लिए। रिटर्न क्लियर करने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा ट्रेड यानी कि स्किल ड्राइविंग के लिए, और उसके बाद आप लोग का मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग, यही आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो सबसे पहले आप लोग का ट्रेड टेस्ट है, तो ट्रेड फिजिकल में आप लोग का यहाँ पे होने वाला है पीटी पीएसटी। पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की जानकारी दी जाती है। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब आपका क्या स्टैंडर्ड है, जो हाइट वेट चेस्ट मांगी जा रही है वो हाइट वेट चेस्ट आपकी है कि नहीं। तो सबसे पहले हाइट की बात की जाए तो जनरल ओबीसी एससी से यदि आप लोग आते हैं, मेल कैंडिडेट हैं, तो 170 सेंटीमीटर आप लोग की यहाँ पे हाइट मांगी गई है, और चेस्ट आप लोग की 80 और 5 सेंटीमीटर का फुला हुआ, यानी कि 80-85 आप लोग का होना चाहिए जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट भी। इसके अलावा यदि आप लोग गढ़वाली कुमायूं गोरखा डोगरा मराठा और आप लोग आते जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख आसाम से, तो आप लोग की हाइट यहाँ पे होनी चाहिए 165 और चेस्ट यहाँ पे आनी चाहिए आप लोग की 78 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव आप लोग का आना चाहिए, यानी कि 78 और 83 आपका होना चाहिए। इसके अलावा यदि आप लोग एसटी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पे आप लोग की हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और चेस्ट यहाँ पे 76 और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि 76 और 81 आप लोग की चेस्ट होनी चाहिए। तो यही आप लोग की हाइट वेट चेस्ट है, और वेट का मेजरमेंट यदि होता है तो हाइट के अकॉर्डिंग ही होता है, और यदि वेट ज्यादा है कम है किसी प्रकार की टेंशन आप लोग को फिजिकल में लेने की जरूरत नहीं होगी। वेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग को मेडिकल में देखने को मिलेगी, तो वेट को भी आप लोग जो है नॉर्मल करके चलिए। हाइट के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए इसके ऊपर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाया हुआ है, सर्च कीजिए। आने वाले समय में वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जैसे ही वो वीडियो बनाऊं आप लोग को जानकारी लग सके। तो ये आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आप लोग का यदि हाइट वगैरह में कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कि मेरी हाइट कम मापी गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो वहां पे आप लोग अपील कर सकते हैं, आपकी अपील सुनी जाएगी, आपकी हाइट एक बार दो बार या फिर जो चेस्ट वगैरह है वो भी आप लोग की नापी जाएगी, पूरा सहयोग आप लोग के साथ किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आप लोग का पीईटी। पीईटी का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पे 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले आप लोग का रनिंग होने वाला है। जी हाँ, रनिंग आप लोग की होगी। रनिंग 1600 मीटर की और 7.5 मिनट का टाइम मिलता है। बहुत ज्यादा समय आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है। जी हाँ, रनिंग में पूरा समय आप लोग को दिया जाता है, 1600 मीटर 7.5 मिनट। चलिए, रनिंग के साथ साथ आप लोग की लॉन्ग जंप होती है। लॉन्ग जंप आप लोग की यहाँ पे होती है 11 फीट की। 3 चांस आप लोग को दिया जाता है, 3 चांस में आपको 11 फीट क्रॉस करना होता है।
इसके अलावा आप लोग की हाई जंप होती है, हाई जंप आप लोग की 3.5 फीट की होती है और इसमें भी आप लोग को 3 चांस मिलता है। तो यहाँ पे रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप यहाँ पे होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। तो पीटी पीएसटी क्लियर करने के बाद आपको बुलाया जाएगा नेक्स्ट स्टेप आप लोग का यहाँ पे होगा रिटर्न एग्जाम। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम इम्पोर्टेंट है और इसी के बेस पे सिलेक्शन होता है। मैं आप लोग को बता दूं, जितनी अच्छी तैयारी आप लोग करेंगे उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस आप लोग के रहेंगे। कट ऑफ आप लोग की कम रहने वाली, क्या कट ऑफ रहेगी इसकी जानकारी भी आप लोग को आने वाले समय में दी जाएगी। तो रिटर्न एग्जाम आप लोग को यहाँ पे 100 नंबर का होता है। जी हाँ, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम आप लोग को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोग का पेपर होने वाला है। पेपर में मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यहाँ पे जीके आती है आप लोग की 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, दोनों ही लैंग्वेज में होंगे हिंदी इंग्लिश। तो जीके 10 क्वेश्चन 10 नंबर की ऑब्जेक्टिव टाइप है और इसके अलावा आप लोग की मैथ आएगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, हिंदी आएंगी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर की और यहाँ पे 60 नंबर के आप लोग के आते हैं ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन 60 नंबर के। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, 10-10 नंबर की। इन चीजों का ध्यान रखेंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे का पेपर होता है, कोई माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग का एग्जाम जो है ओएमआर बेस या फिर ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। जी हाँ, लेकिन ओएमआर बेस होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। कंडीशन यदि कभी बनती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ही आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम होगा, नहीं तो आप लोग का ऑफलाइन एग्जाम ही होने वाला है। तो ये आप लोग का रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न एग्जाम में आप लोग की पासिंग मार्क्स भी है, यदि आप लोग जनरल ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस मैन से हैं तो 35% और यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 33% मिनिमम पासिंग मार्क्स है। लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स से आपका कुछ होना नहीं है, कट ऑफ आप लोग की बनेगी, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहें। रिटर्न क्लियर करने के बाद आप लोग को बुलाया जाएगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट के लिए। ठीक है, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट आप लोग के पास सभी रेडी होने चाहिए, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे और जो भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग उस प्रकार से अपने सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें उस डेट से पहले कि आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आप लोग का यहाँ पे होने वाला है ड्राइविंग टेस्ट उसी समय। जी हाँ, ड्राइविंग टेस्ट, तो ड्राइविंग टेस्ट आप लोग का 50 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, सिर्फ आपको पास करना होगा। पास करने के लिए आप लोग को 50% मार्क्स लाने होंगे, फिर चाहे आप लोग जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी से भी हो, 50% आप लोग के यहाँ पे पासिंग मार्क्स है ड्राइविंग टेस्ट में और 50 नंबर का आप लोग का यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग नेचर का इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। सिलेक्शन सिर्फ आप लोग के रिटर्न एग्जाम के नंबर के बेस पे होगा। तो यदि आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं इसकी ड्राइविंग टेस्ट, तो फिर आप लोग का होने वाला मेडिकल पे आप लोग का यदि कोई पॉइंट वगैरह मिलता है तो रीमेडिकल भी होता है। रीमेडिकल में 24 घंटे का समय मिलता है। तो यही प्रोसेस है आप लोग का, नॉर्मल सा प्रोसेस है। फिजिकल सबसे पहले, फिजिकल के बाद रिटर्न के बाद आप लोग का जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल के बाद फाइनल ज्वाइनिंग है। बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैकेंसी, 458 वैकेंसी आईटीबीपी की द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई। सिलेक्शन आप लोग का होगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जानने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।